इनफैक्ट एक ग्रुप स्टॉक्स हैं, पिरामल एंटरप्राइज, पिरामल फार्मा, इन्हें एक बार ज़रूर डिस्कस करना चाहिए। पिरामल फार्मा पर इनफैक्ट क्या कुछ चल रहा है इस वक्त, स्ट्रीट को क्या पता है जो आपको भी पता होना चाहिए। शरद एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट लेकर आए हैं, एक बार वो समझ लेते हैं पहले। जी बिल्कुल, सबसे पहले फोकस में रहेगा पिरामल फार्मा। हाल ही में लिस्टेड कंपनी थी और यहाँ पे HNI इंटरेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग देखने मिल रहे हैं। स्टॉक 10% बढ़ चुका है पिछले दो सेशंस में। दूसरे तिमाही के नतीजे नवंबर 8 को आने वाले हैं। शेयर प्राइस मूवमेंट की बात करें तो शेयर जो है लगभग 202 रुपये प्रति शेयर पे लिस्ट हुई थी और एनालिस्ट का जो फेयर वैल्यू दिए गए थे स्टॉक को वो लगभग 190 to 210 रुपीज़ पर शेयर पे दिए गए थे। गाइडेंस के अगले 3 से लेकर 5 साल में बात करें तो रेवेन्यू में लगभग 15% का ग्रोथ का गाइडेंस दिया गया और एबिटडा मार्जिन जो है 25 से 28% के रेंज में रह सकती हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्ट्रैटेजिक आउटलुक क्या है, जो इतने सारे रोड शोज हो रहे तो कंपनी क्या कहना चाहती है। तो ऑफकोर्स सबसे पहला बात है कि कैपेसिटी एक्सपेंशन पे फोकस करेंगे मल्टीपल साइट्स को लेके। उनकी जो CDMO बिजनेस है वहाँ पे वो नीश मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को अक्वायर करने वाले हैं। जो कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल जेनरिक्स है वहाँ पे भी जो लाइसेंसिंग और एक्विजिशन पे फोकस रहने वाला है। और आखिर में जो है आपके कंज्यूमर हेल्थ केयर है वहाँ पे दोनों तरह के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन में जो है बढ़ावा देखने वाले हैं। लास्ट टाइम हमारे मैनेजमेंट ने जो है 18 सदस्य से बात की और उन्होंने कहा कि 10,000 करोड़ रुपए का जो रन रेट है रेवेन्यू का वो FY25 तक टच कर सकते हैं। मार्जिन शॉर्ट टर्म में 20% प्लस लेवल्स पे फोकस कर सकते हैं। डिमांड ट्रेंड्स अभी स्ट्रांग दिख रहे हैं। और आखिर में इंपॉर्टेंट बात, उन्होंने ये भी कहा कि कार्लाइल जो है अभी एग्जिट करने की बात नहीं कर रही है, जो उनकी फार्मा बिजनेस पे जो इन्वेस्टमेंट है लगभग 20% स्टेक का। और राइट, तो ये तो काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं शरद, शुक्रिया ये सारे कंपाइल करने के लिए। तो कैपेसिटी एक्सपेंशन ये एक बड़ी चीज़ है, यानी स्ट्रैटेजिक कई सारी प्लानिंग चल रही है। पिरामल फार्मा, अभिषेक आपका क्या व्यू है, अगर आपने ये सारे व्यू सुने हो शरद ने जो कंपाइल किए, व्हाट इज़ योर एनालिसिस? मैम, मेरा जो व्यू है, जो भी बेनिफिट्स बोले हैं वो मेरे को लगता है वो बेनिफिट्स, उसमें से लार्ज अमाउंट ऑफ बेनिफिट्स आप सेकेंड नेक्स्ट ईयर से दिखेंगे राइट नाउ। तो व्यू यही है कि 190 से 200 के बीच में अगर स्टॉक मिलता है तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए और बाद में नीचे के लेवल पे डेफिनेटली देखना चाहिए, बट इस लेवल पे मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। हमने 2 दिन पहले ब्रोकरेज हमने टेक्टिकल बाय में 10% आइडिया में पिरामल को रेकमेंड किया है। तो व्यू यही है कि अभी इस लेवल पे 185-190 के बीच में अगर मिलता है तो आप प्रॉफिट बुक कीजिए। आप नीचे के लेवल पे मेरे को लगता है कि बिकॉज जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज वगैरह है वो नेक्स्ट ईयर से ज्यादा फुलफिल होंगी, तो ये लेवल पे मेरा व्यू इस पे स्टॉक पे इतना पॉजिटिव नहीं है। 185 ऊपर के लेवल पे आप प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली कर सकते हैं। ठीक है, 185 तक का आपका टारगेट है। आप ये भी बता रहे हैं कि इसके अंदर टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक भी कर लेना चाहिए, क्योंकि 160-162 से शेयर चलकर अब 175 हो चुका है।